हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आउट ट्रिगर गेमिंग। वैसे तो मैं इस गेम में चैलेंजेस वगैरह कभी कंप्लीट करता ही नहीं होता, लेकिन इस चैलेंज को हमारे सुमित 007 भाई ने पूरे COC कम्युनिटी को दिया है, तो भाई चैलेंज तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना यार। लेकिन सुमित को मानना पड़ेगा यार, इतना हार्ड चैलेंज बना दिया कि पूछो मत। कसम से भाई, 6 साल हो गए मुझे गेम खेलते हुए और अपने पूरे COC करियर में इतना हार्ड चैलेंज मैंने आज तक नहीं देखा। इससे इजी तो मुझे लास्ट वाला गॉब्लिन मैप लगा था यार। आई नो कि थोड़ा लेट हूं मैं इस पर वीडियो बनाने में, बट इन माई डिफेंस मुझे पता नहीं था कि इस चैलेंज को एक इंडियन क्रिएटर ने बनाया है। जैसे ही मुझे पता चला कि ये एक स्वदेशी चैलेंज है, तो मैंने भाई उसी टाइम गेम खोली और इसे कंप्लीट करने का ट्राई किया। लेकिन हर बार ये चैलेंज मुझे ऐसे रिजेक्ट कर रहा था जैसे कि ये मेरी क्रश हो और इससे मैंने डेट के लिए पूछा हो। लेकिन मैं भी बहुत ज्यादा बेशरम इंसान हूँ यार, तो बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने के बाद उसने हाँ बोल दी। I mean, चैलेंज कंप्लीट हो गया भाई, इतनी ज्यादा अच्छी किस्मत नहीं है मेरी। तो भाई, इस चैलेंज का नाम है पेंटर क्वीन। एक बार तुम्हें आर्मी दिखाता हूँ, क्या अतरंगी आर्मी दे रखी है इसमें। तो इस अटैक के लिए सुमित ने हमें जो आर्मी दे रखी है वो है 4 बारबेरियन, 1 जायंट। अब 1 जायंट का क्या करूं मैं, 1 सुपर, चलो ठीक है ये क्लीनअप में काम आएगा। 3 सुपर वॉल ब्रेकर्स, 5 हीलर्स, 4 ड्रैगन, 1 इलेक्ट्रो ड्रैगन और 3 ड्रैगन राइडर्स और 2 मिनियंस। एंड सीज में दे रखे हैं अपन को फ्लेम फ्लिंगर और स्पेल्स दे रखे हैं 4 रेज, 3 फ्रीज, 1 इनविजिबिलिटी और 2 पॉइजन। लेकिन हीरोज में सिर्फ 1 क्वीन, बाकी हीरोज कहाँ गए भाई। इसका मतलब एकदम तगड़ा क्वीन चार्ज करना पड़ेगा भाई इसे 3 स्टार करने के लिए। और किया भी है मैंने भाई एकदम OP क्वीन चार्ज इस अटैक में, और क्वीन को भी एकदम मोनोलिथ की साइड से घुसा दिया। मतलब फुल इंप्रेस करना है सुमित को चाहे कुछ भी हो जाए। तो भाई देखो और इंजॉय करो इस अटैक को। तो भाई सबसे पहले टॉप लेफ्ट साइड पर डालूंगा मैं फ्लेम फ्लिंगर, क्योंकि वहां पर कोई मोटार नहीं है अपने फ्लिंगर को आउट रेंज करने के लिए। देन बॉटम साइड पर आएगी अपनी आर्चर क्वीन विद हीलर्स और एयर डिफेंस के पास आएगा 1 सुपर वॉल ब्रेकर, ताकि अपनी क्वीन इन्फर्नो वाले कंपार्टमेंट के अंदर जाए और सबसे पहले भाई ये कंपार्टमेंट क्लियर कर दे। और इस कंपार्टमेंट में इतना ज्यादा डैमेज भी नहीं है, तो रेज इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा क्वीन पे। देन 3 o'clock की साइड से ई ड्रैग आएगा और उस पर रेज डालूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर चेन वैल्यू बहुत सही है और आपको पता ही है रेज इलेक्ट्रो ड्रैगन कितना OP होता है जहाँ पर चेन मिल रही हो। और इलेक्ट्रो ड्रैगन डालकर भूल जाओ भाई उसे, वो अपना काम कर देगा क्योंकि वहाँ पर कोई एयर डिफेंस नहीं है उसे रोकने के लिए। अब आर्चर क्वीन पर एक रेज आएगा और रेज को थोड़ा बाहर की तरफ डालूंगा मैं, ताकि सुपर वॉल ब्रेकर भी रेज हो जाए जब वो वॉल तोड़ने के लिए जाए। वॉल ब्रेकर ने वॉल तोड़ दी और सीसी भी आ गया है, तो सीसी से फाइट लेने के लिए एक पॉइजन डालूंगा मैं। सीसी के मरते ही अपनी क्वीन जैसे ही स्टेप अप करेगी तो मोनोलिथ लॉक हो जाएगा उस पर, उसे फ्रीज करना है इंस्टेंटली। और क्वीन पर एक और रेज आएगा क्योंकि इस एरिया में बहुत ज़्यादा हैवी डैमेज है। ओह शिट, क्वीन की ऑटो एबिलिटी यूज़ होगी, अब तो क्वीन पर एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा मोनोलिथ से बचाने के लिए। और भाई अपना इलेक्ट्रो ड्रैगन ईगल के पास पहुंच गया, तो उस पर एक और रेज डालूंगा मैं ताकि वो ईगल निकाल दे बस। और देखो सिर्फ 1 इलेक्ट्रो ड्रैगन ने कितना सही फनल बनाया अपनी बाकी आर्मी के लिए। लिटरली भाई आधा बेस क्वीन ने खाया और आधा इलेक्ट्रो ड्रैगन ने। इस क्वीन को नहीं मरने देना चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो सारे के सारे स्पेल्स भी अगर डालने पड़े तब भी डाल दूंगा। चलो भाई टाउन हॉल मिल गया, अब बस मोनोलिथ बचा है तो उसे फिर से फ्रीज करूंगा मैं। और क्वीन से मोनोलिथ निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ड्रैगन को बहुत जल्दी मार देता है। तो अब टाइम आ गया अपनी बाकी आर्मी डालने का, तो 6 o'clock की साइड से सारे के सारे ड्रैगन और ड्रैगन राइडर आ जाएंगे। और भाई इनके लिए पाथिंग इतनी सही बनी है कि सीधा कोर की तरफ जाएंगे और कोई जगह ही नहीं बची है इनके पास। और ये क्वीन के पास ट्रैप्स में ये गंदी शक्ल वाले भूत हैं, तो उन पर पॉइजन डालूंगा मैं। ये भाई बहुत जल्दी क्वीन को मार देते हैं, इसलिए सुमित ने 2 पॉइजन दे रखे हैं। ट्रूप्स अपने कोर में पहुंच गए हैं, बस अपने ड्रैगन एनिमी क्वीन को मार दें, सिर्फ वही अपने ट्रूप्स को दिक्कत दे सकती है। और एनिमी क्वीन के जाते ही अपना फ्लेम फ्लिंगर भी फूट गया और सीसी से निकले हैं रॉकेट लून्स और ड्रैगन राइडर, और वो भी थोड़ी हेल्प कर देंगे इस बेस को उड़ाने में। और राइट साइड टेस्ला पर बचे हुए बलून्स आएंगे, और बलून्स को डालने के बाद जो ट्रूप्स क्लीनअप के लिए बचे हैं उन्हें डाल दूंगा मैं। फाइनली वो सिंगल जायंट किसी काम आया यार, और क्लीनअप तो हो ही जाएगा और ये अटैक को मैं कंप्लीट करूंगा विद ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स टू स्पेयर। इजीली तो नहीं कहूंगा मैं इस बार, क्योंकि बहुत बार ट्राई करना पड़ा मुझे भाई ये चैलेंज कंप्लीट करने के लिए। एंड अ ह्यूज थैंक्स टू सुमित 007 फॉर दिस चैलेंज दैट एक्चुअली चैलेंज्ड मी। और भाई अगर आपको 10 different types ऑफ क्लैश ऑफ क्लैंस प्लेयर्स के बारे में जानना है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देखो, बहुत सही वीडियो लगेगी आपको। और भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।